हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्शन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। पहले तो प्रोजेक्शन होता क्या है मैं वो बता रही हूँ आपको। जैसे हमारे पास कोई भी इमेज, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक मार्कर है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज ड्रॉ करनी है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है? तो कैसे इमेज ड्रॉ करते हैं हम? इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ऊपर ड्रॉ कर लेंगे इसका टॉप, और फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहां पे ड्रॉ कर लेंगे इसका बॉटम। मतलब ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ठीक है? तो प्रोजेक्शन बेसिकली है क्या? हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो थ्री डायमेंशंस में है, थ्री डायमेंशंस में है। जैसे हमारे पास कोई चेयर है, वो भी किसमें होगी? थ्री डायमेंशंस में। जब उस ऑब्जेक्ट की हम इमेज ड्रॉ करें तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। टॉपिक क्लियर? अब हम कर क्या रहे हैं प्रोजेक्शन में थ्री डी ऑब्जेक्ट को। जैसे हमारे पास ये था एक थ्री डी ऑब्जेक्ट मार्कर, थ्री डी ऑब्जेक्ट को वी आर कन्वर्टिंग इनटू टू डी। ओके, थ्री डी ऑब्जेक्ट है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? टू डी में। मतलब इसकी तीन साइड्स थी, इस मार्कर की कितनी साइड्स थी? तीन, तीन तरह की लेंथ, ब्रेथ, हाइट थी। लेकिन जब इसको हम 2D में इसकी एक पिक्चर ले लेते हैं, उस वक्त सिर्फ दो वैल्यूज रहेंगी, जो इसकी डेप्थ वैल्यू है दैट विल बिकम जीरो। कंसेप्ट क्लियर? तो ये होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में चेंज करना ही प्रोजेक्शन है। तो हमारे पास अगर हमने ये मार्कर लिया है, इस मार्कर पे तीन पॉइंट्स है, दैट इज पी एक्स वाई जेड। जैसे मैंने पहले भी करवाया आपको टॉपिक, उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे पास? एक्स वाई होते हैं ना, ठीक है? इसमें कितने होंगे? थ्री होंगे, एक्स वाई जेड, जो तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर इसको हम उसके बाद इसकी फोटो ले रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? पी डैश एक्स डैश वाई डैश, मतलब जेड वैल्यू विल बिकम जीरो। कंसेप्ट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है जी। अब आगे प्रोजेक्शन की टाइप्स क्या है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। हाँ जी, प्रोजेक्शन की दो टाइप्स हैं, पैरेलल पर्सपेक्टिव। ओके, हाँ जी, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है? पहले तो सिंपल मैंने प्रोजेक्शन बताया था आपको, भी प्रोजेक्शन है क्या? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की फोटो ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब देखिए हम इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला मेथड तो इमेज ड्रॉ करना करने का ऐसे है जी, जो इसकी ये साइड है, इस साइड की के ऊपर हम ऐसे प्रोजेक्शन लाइन लगा लें और ऊपर यहां पे एक डॉट लगा दें, ठीक है? जैसी हमने फोटो बनानी है, यहां पे रख के ऐसे ड्रॉ कर लिया। सेकंड पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, ठीक है, यहां पे कहीं पे। मतलब जो हमारी इमेज बनेगी यहां पे, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमारा था, दोनों का साइज विल रिमेन सेम। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइंस हमारे व्यू पोर्ट, जिसको हम व्यूइंग पोर्ट कहते हैं, जैसे ये हमारा बोर्ड है या कंप्यूटर लगा लो, तो पैरेलल लाइंस यहां से ड्रॉ होंगी और ऑब्जेक्ट का साइज जो प्रोपोर्शनेट है दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। तो ये होगा पैरेलल प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। प्रोजेक्शन लाइंस किन को बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट से व्यू पोर्ट की तरफ लाइंस ऐसे जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन लाइंस, जो हमारी किसी भी फोटो को ड्रॉ करने के लिए हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है? तो प्रोजेक्शन हम इसका लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन लाइंस विल बी पैरेलल टू
ईच अदर, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बता रही हूं। ठीक है जी, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? सेम वही ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, अब इसमें से जो लाइंस निकलेंगी, प्रोजेक्शन लाइंस जो निकलेंगी, दे विल नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे विल अप्रोच टू अ फिक्स्ड पॉइंट, वो एक पॉइंट की तरफ जाएंगी सारी। इट मींस वो लाइंस कैसी होंगी, देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इधर को जा रही है, मतलब उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, मतलब इसमें पैरेलल प्रोजेक्शन में लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे। पर्सपेक्टिव में कैसे होगा, लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर अप्रोचिंग टू अ फिक्स पॉइंट, यहां पे कहीं पे फिक्स्ड पॉइंट है, उसकी तरफ जा रही है सारी प्रोजेक्शन लाइंस। लेकिन हमारा व्यू पोर्ट अगर यहां पे है तो यहां पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन जाएगी, इसको बोलते हैं पीआरपी, प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट की तरफ भाग रही है सारे प्रोजेक्टर्स, सारी प्रोजेक्शन लाइंस। लेकिन वो अगर पहले ही मिलने से पहले ही व्यू पोर्ट को कट करती हैं तो वहां पे इमेज बन जाएगी। ओके, अगर ये पॉइंट पे टच करेंगी वो, मतलब हमारा व्यू पोर्ट भी यहां पे हो, तो हमें इमेज एक जस्ट पॉइंट दिखेगी। कंसेप्ट क्लियर? वो इमेज हमें इतना पेन नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक डॉट बन जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ओके, अब आगे भी काफी टाइप्स हैं पैरेलल प्रोजेक्शन की भी, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की भी, जिन पे एग्जाम्स में क्वेश्चनिंग आती है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम सेपरेट सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे और अच्छे से विद इजी एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे, और आप उन वीडियोस को देखना ना भूलें, और एक सीक्वेंस वाइज वीडियोस को ही आपने देखना है। ठीक है, अब इसमें जैसे पैरेलल प्रोजेक्शन है दैट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, उसकी जो टाइप्स है पैरेलल की, उसकी भी फर्दर कई टाइप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही पर्सपेक्टिव में है, तो उनकी डेफिनेशंस, क्या क्या क्वेश्चनिंग आती है, हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट।